गाइस वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है फ्रेंड्स, और ये आ रही है भर्तियों को लेकर। जी हां, भर्ती प्रक्रिया पर सरकार और आयोग से कोर्ट ने मांगा जवाब। किस भर्ती पर है, कौन कौन सी भर्ती हैं, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का दौर आज से लगभग एक साल पहले चल गया था, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं उन्होंने, अभ्यर्थियों ने भी और तमाम राजनेताओं ने भी कोर्ट में याचिकाएँ दायर की थी। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 9 से ज़्यादा पदों पर चयन निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर जो है सुनवाई की है। यानी कि जो आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पोस्टें निरस्त कर दी थी, उनके ऊपर यहां पर कोर्ट में कल सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकल पीठ ने की, जहाँ पर जो अगली सुनवाई होगी यानी कि 17 फरवरी को होनी है। जो 9 भर्तियां और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निरस्त कर दी थी उनको लेकर यहां पर जो है सुनवाई होनी है, जबकि राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा गया। मामले के अनुसार आप देख सकते हैं इन्होंने हाईकोर्ट में जो है इन्होंने याचिका दायर की है और कहा कि आयोग की ओर से स्नातक स्तर पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ यहाँ पर हुई हैं, मेनली BDO BPDO की बात हो रही। तो स्नातक स्तर पर समूह गौ सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था 4 और 5 दिसंबर 2000 को। इसकी पर आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी 916 पोस्टों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं 916 कैंडिडेट्स का चयन हुआ था। अभ्यर्थियों का कहना है यानी कि जिन्होंने याचिका दायर की है उनका कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों के चयन के बाद उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हुआ था। इस मामले में पेपर लीक के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में सभी नियुक्तियों को जो है निरस्त कर दिया गया था। यानी आप देख सकते हैं मेनली यहां पर जो है ये मामला BDO BPDO भर्ती का है, जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है कि भाई क्यों हमारा जो है पेपर निरस्त कर दिया गया था। अब राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका जवाब देना है और 17 फरवरी को कोर्ट में एक बार फिर से इसकी सुनवाई है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम लगातार आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।